नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर रोजगार पाने के लिए लोग बिजनेस को बेस्ट मानते हैं। बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा, आपके स्किल से जुड़ा कोई बिजनेस हो तो वह आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। खासकर गांव के लोग काम ढूंढने के लिए शहर में बसते हैं और शहर के लोग काम को लेकर दूसरे राज्य या फिर देशों में चले जाते हैं, लेकिन इससे दो तरफा नुकसान होता है। पहला कि आप अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं और दूसरा आपके अपने राज्य का राजस्व भी दूसरे राज्य में चला जाता है। ऐसे में सिर्फ लोगों की ही चाहत नहीं होती कि उनका खुद का बिजनेस हो, बल्कि राज्य सरकार भी अपना उद्योग खोलने को लेकर बढ़ावा देती है। बिजनेस में अच्छी खासी पूंजी भी लगती है, जो कि एक सरदर्द का विषय है। लेकिन अगर आप भी अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करने वाली है। यह मदद आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक तरह का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। इसके तहत वैसे सूक्ष्म उद्योगों को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जो कृषि से जुड़े नहीं है। खासकर 8वीं पास व्यक्ति भी इसके पात्र हैं। योजना के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में शुरू किए गए प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिलती है। इसके तहत भी कुछ नियम बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख की लागत वाले मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए सरकार सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 15% सब्सिडी छूट देती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने पर कुल लागत का 25% सब्सिडी मिलेगा। वहीं बात अगर SC ST OBC महिला या फिर दिव्यांग वर्ग के लोगों की हो तो इन्हें थोड़ा ज्यादा छूट मिलता है। इन वर्गों के लोग अगर गांव में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगाते हैं तो उद्योग की लागत का 35% रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। वहीं शहरों में ये लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो इन्हें कुल लागत का 25% सब्सिडी मिलता है। आपको बताते चले कि सब्सिडी का मतलब हुआ कि उतनी राशि सरकार या तो आपको छूट देगी या फिर अगर आप लोन लेते हैं तो निर्धारित सब्सिडी की राशि सरकार चुकाएगी। ऐसे में उद्योग खड़ा करने में सरकार की तरफ से यह आर्थिक मदद मिलने से छोटे मोटे नए बिजनेसमैन को बड़ी राहत मिलती है। अब हम इस योजना की पात्रता के बारे में आपको बताते हैं। इस योजना के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके तहत लाभार्थी अगर सर्विस सेक्टर में 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से अधिक लागत वाले बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो उनका कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा इसका लाभ वैसे स्वयं सहायता समूह को भी मिलेगा जिसे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। साथ ही साथ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट को भी बिजनेस शुरू करने की सहायता मिलती है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा हर जिले के शिक्षित युवा, बेरोजगार युवक और महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ पाने के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC के द्वारा होता है, जबकि राज्य स्तर पर KVIC के राज्य कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला उद्योग केंद्र के द्वारा होता है। इन जगहों से आवेदन के लिए पता किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी विस्तृत जानकारी www.pmegp.eportal पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपना बिजनेस तो खड़ा करना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी और महंगे ब्याज दर के कारण लोन उठाने के डर से वे रिस्क नहीं उठाते हैं और उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम फायदेमंद है। इससे न सिर्फ युवाओं को अपना खुद का रोजगार मिलता है बल्कि सूक्ष्म उद्योग शुरू करने से स्थानीय स्तर पर दूसरे लोगों को भी काम मिल जाता है। ऐसे में गांव के लोग गांव में ही रहकर अपने बिजनेस खोल सकते हैं और इसके लिए उन्हें शहरों में पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही साथ पारंपरिक उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।